SRM टुडे शहर की आवाज। मंदसौर पुलिस अधीक्षक तुषार कांत के विद्यार्थी के मार्गदर्शन में जिले भर में ऑपरेशन शिकंजा के नाम से मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें अतिक्रमण धारे अपराधियों के अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। इसी के तहत बंदवार हत्याकांड के आरोपी मनीष बैरागी की गुमटी, जो कि श्रीकोटी चौराहा क्षेत्र में मौजूद है, उसे भी नगरपालिका व पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर तोड़ा गया। जिले भर में अपराधियों, गुंडों के बढ़ते घोंसलों और उनके द्वारा किए जा रहे अवैध कार्य पर लगाम लगाने हेतु मंदसौर पुलिस अधीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी द्वारा ऑपरेशन शिकंजा नाम से एक मुहिम जिले भर में चलाई गई है, जिसके तहत आज गुंडे, बदमाशों, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए बंधवार हत्याकांड के आरोपी मनीष बैरागी की गुमटी तोड़ी गई। ये गुमटियां नगर के श्रीकोल्ड चौराहा क्षेत्र में मौजूद थी, जिसके चलते अब उनकी पक्की दुकानें भी तोड़ी जाएंगी। अरे उधर से चालू करो ना, होने वाला मनीष की दुकान से उसे। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश ने बताया कि इस मुहिम के तहत ये कार्रवाई शहर भर व जिले भर में की जा रही है, जिसमें आज अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर राजस्व विभाग एवं पुलिस बल एवं नगरपालिका द्वारा उन सभी गुमटियों को हटाया जाएगा जो अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ये भी बताया कि बरसों से फरार चल रहे बदमाशों के खिलाफ भी ये मुहिम चलाई जा रही है। जैसे मैं मालिक हूँ, मैं लीज कर सकता हूँ, लेकिन जो लीज करने वाला वो थोड़ी लीज कर सकता है। Thank you.
ये पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो है एक जॉइंट रूप में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक ऑपरेशन शिकंजा के नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है जो आज से स्टार्ट की गई है। इसमें जितने भी वांटेड अपराधी हैं या HS हैं, गुंडे हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित ऑफेंस करने वाले अपराधी हैं जो फरार हैं, पिछले 2-3 साल से जो फरार हैं या जिन्होंने दादागिरी से रंगदारी से इस तरह से अवैध अतिक्रमण करके गुमटी आदि स्थापित की गई है, उन अतिक्रमण को हटाने का एक मुहिम चलाई है जिसे ऑपरेशन शिकंजा नाम दिया। सर, कई राजनीतिक संरक्षण से संबंधित लोगों ने भी यहाँ पर रखी है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी फिलहाल हमारा जो प्रथम स्टेज पे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और जिनके द्वारा रंगदारी से दादागिरी से जिस तरह से अवैध अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने का प्राथमिकता है। सर, प्रहलाद बंदवार हत्याकांड और इन गुमटियों के डिस्ट्रॉय करने के पीछे क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है? हाँ, इसमें एक गुमटी यहाँ पर जो रखी थी उसको लेकर भी कुछ विवाद था, आरोपी द्वारा इस बात का खुलासा किया था, आपके सामने ही किया था कि उस गुमटी को उसकी गुमटी के पास में रखने के कारण तात्कालिक आक्रोश उसके मन में था। हत्या की वजह गुमटी थी, अभी उस संबंध में विवेचना और चल रही है, लेकिन एक कारण इसमें गुमटी का भी आ रहा है। यहाँ पर जितनी भी गुमटियाँ रखी गई है जैसा नगर पालिका द्वारा बताया गया है और हमारे तहसीलदार और नगर पालिका की टीम और हमारी पुलिस टीम सभी यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो जितनी गुमटियाँ रखी है सभी अवैध तरीके से यहाँ पर इंक्रोचमेंट करके रखी गई है और स्पेशली ये जब हमारे द्वारा जो प्रकरण हुआ है पिछले दिनों घटना हुई है उसके तहत जो आरोपी है मनीष बैरागी उसके द्वारा अतिक्रमण करके रंगदारी करके यहाँ पर गुमटियाँ को स्थापित किया गया है, उनको किराए से दिया गया है, कुछ गुमटियाँ चिन्हित की गई थी इसमें और बाकी का पता किया तो सभी अवैध रूप से। तो इसमें हमारे जितने भी अभी फरार आरोपी हैं हमारे द्वारा जो है पुलिस द्वारा एक सूची बनाई जा रही है जो फरार आरोपी है और जो वांटेड हैं या संपत्ति संबंधी जिन्होंने अपराध किया है इस तरह के अपराधी को चिन्हित करके उनके द्वारा जो इंक्रोचमेंट किया गया या गुमटियाँ रखी गई है उनको सभी को इस तरह से डिसमेंटल किया जाएगा। बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई करने के लिए टीम भी गठित की गई है। वहीं काली फिल्म में लगी कारों की भी धरपकड़ की जाएगी। अब जिले में अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। SP तुषारकांत विद्यार्थी ने 1.5 साल में जैसे नीमच जिले के गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की उसी तरह अब मंदसौर में भी बरसों से फरार चल रहे बदमाशों पर पुलिस का डंडा चलेगा। आपको बता दें कि नीमच जिले में जब SP तुषारकांत विद्यार्थी ने कार्यभार संभाला था उसके बाद जिले में पूरी तरह शांति का माहौल बना रहा। अब मंदसौर में SP तुषारकांत विद्यार्थी ने कार्यभार संभालते ही अपने कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया है। अब तस्कर सटोरी अतिक्रमणधारी अपराधियों में भारी हड़कंप दिखाई दे रहा है।
संवाददाता विपिन चौहान के साथ एसआरएम टुडे मंदसौर। एसआरएम टुडे शहर की आवाज़।